हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू आर वाचिंग अंजलिज वाइट बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो डिलीटेड पोर्शन है उनको मैं यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं करवा रही। डिलीटेड पोर्शन जो नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए होगा वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी मार्च के बाद। तो यहाँ पे जो डिलीटेड पोर्शन है उसके अलावा जो मेन जो हमें करने हैं प्रैक्टिस दिन के वही क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। तो 4.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हाँ, मैंने 9th में भी फैक्टराइजेशन सीखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा और उसके बाद हमें उसके जीरोस कैसे निकालना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें रूट्स निकालने हैं। जो हम जीरोस निकालते थे उनको यहाँ पे हम रूट्स कह रहे हैं और हमें यहाँ पे उनके रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले दे रखी है कि नहीं ये देखना है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है। तो यहाँ पे डिग्री अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है, यानी एक्स के रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 10 हमारा यहाँ पे है। अगर हम 10 को, ये पता है सबको कि ये 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x से यानी 1 से, तो 10 इंटू में 1 10 ही आएगा। अब हम 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 का एलसीएम शॉर्टेस्ट होता है 2 से, ये आ गया 5। अब हमें क्या देखना है कि 5 और 2 को इस तरीके से प्रोडक्ट करना है कि 10 माइनस 10 आ जाए, और प्लस माइनस इस तरीके से करना है कि हमारा माइनस 3x आ जाए। ठीक है, तो यानी पी प्लस क्यू वाला तरीका था और एक पी क्यू वाला तरीका। तो यहाँ पे हमारा पी और क्यू क्या है, 2 और 5 है। तो हम क्या ऐसा करेंगे कि हमारा -3 भी आ जाएगा प्लस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे हमारा -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। अगर हम 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव वाले तो 10 आएगा, लेकिन हमें -10 चाहिए और -3 चाहिए। अब हम देखते हैं 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, पर ये +3 है, और 5 इंटू में -2 करेंगे तो -10 आ जाएगा। मतलब हमारा एक तो नहीं निकल रहा है यहाँ पे साइन की दिक्कत, और यहाँ हमारा -10 तो निकल गया। अब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि 5 को माइनस कर दो, 2 को प्लस कर दो, अब हमारे यहाँ पे -3 आएगा, और -5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, हमारा जो 5 होगा हमें नेगेटिव चाहिए और मल्टीप्लाई सॉरी 2 हमें पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बन गया एक्स स्क्वायर -5 प्लस 2। अभी जो -5 है इसके साथ आप एक्स लगा दो, +2 के साथ एक्स लगा दो, और -10 इज इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये हमारा पेयर बन गया और ये हमारा पेयर बन गया। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स को बाहर रखेंगे, एक्स को अंदर रखेंगे, एक माइनस में 5। अब अगर आप देखें ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x आएगा। अब इधर देख लेते हैं, इधर कॉमन क्या है, 2 की टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो यहाँ कॉमन 2 है। एक्स अंदर रखेंगे, 2 की टेबल में 10 किस पे आता है, 5 से। तो हमारा ये ब्रैकेट हमें सेम चाहिए और ये सेम चाहिए, सेम है, यानी कि आप सही जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स और इस 2 को साथ में पेयर बना लेना है, और एक्स -5 कॉमन लेना है, यहाँ ये आ गया एक्स +5 और एक्स -5। अब हमें क्या करना है, एक्स +2 को 0 के इक्वल रखेंगे और इधर एक्स -5 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू में -2 और यहाँ एक्स इज इक्वल टू में +2। कैसे हुआ ये, +2 को इधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और -5 को इधर लेकर 0 की दूसरी तरफ लेकर मतलब 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो वो साइन चेंज हो जाएंगे तो +5। यानी कि हमारे रूट्स क्या निकले हैं, इस इक्वेशन के रूट्स निकले हैं, लिखेंगे हम रूट्स आर -2 और 5, एंड भी लिख दो या फिर कॉमन लगा दो, इंग्लिश का पेपर तो है नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, हमें इसमें रूट्स निकालने, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। रिलेटेड पोर्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी इजी है, लेकिन आपके जो
सिलेबस में अभी दे रखा है, यानी कि जो सिलेबस में आना है वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं पार्ट टू पे। अब हमें पार्ट टू में क्या करना है, वेट वेट, पार्ट टू में भी सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, टू है, और यहाँ है हमारा सिक्स। तो अब हमें क्या करना है, टू और सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको हम सी, यानी ये जो लास्ट में ए बी सी, सी से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या है, 12 आया है, और 12 नहीं है ये, सी क्या है, नेगेटिव है। तो हमारा क्या आएगा, -12, यानी मल्टीप्लाई करने पे हमें -12 चाहिए, और बीच में क्या है, एक्स है, तो हमें प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो अब हम किस तरीके से करेंगे कि भाई मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आ जाए -12, और प्लस माइनस करने पे हमारे पास एक्स आ जाए वो भी पॉजिटिव। तो एलसीएम ले लेते हैं, 12, 12 यहाँ आएगा 6, और ये फिर जाएगा 3 की टेबल से, ठीक है। तो अब हमारे पास पेयर क्या क्या बन रहे हैं, अब हम जरा पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि क्या ऐसा करें। भाई अगर आप 2 × 6 करोगे तो -12 तो आ जाएगा, लेकिन प्लस एक्स नहीं आएगा, तो मैं इसको तो देख ही नहीं रही। अब मैं जरा देखती हूँ कि 2 × 2 = 4 है, और अगर 4 में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। पर अगर आप 4 में आप 3 अगर ये दोनों प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 7। हमें क्या चाहिए, -12 चाहिए, और हमें प्लस एक्स चाहिए। तो अब हम एक को माइनस रख के देखेंगे। तो यहाँ मैं रख लेती हूँ, साफ पता चल ही रहा है, तो यहाँ पे घुमाने की तो जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे मैं 4 को 3 से, -3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -12 आएगा, और 4 को, 4 में से मैं 3 माइनस करूंगी तो प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स नहीं, 1 आएगा। और हमें क्या चाहिए, मतलब 1 ही चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या, हमारे पी और क्यू क्या मिल गए, 4 और -3। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है 2x² प्लस 4 माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू में 0, x माइनस 3x। अब हम पेयर बना लेंगे, ये पेयर बनी हुए हैं, दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिला, 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, और अंदर क्या, x आएगा। 2 की टेबल में 4 किस पे आता है, 2 पे। अब यहाँ पे -3 बाहर ले आएंगे, -3 एक्स, 3 की टेबल में 6 किस पे आता है, 2 पे। अब आपको देखना क्या है, मैं यहाँ पे साइन क्या लगाऊँ, अगर मैं यहाँ पे ये साइन लगाती हूँ ना माइनस का, तो क्या होगा, वो +6 हो जाएगा। देखो -3 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका +6 आएगा, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 6 माइनस में है, तो हमें साइन चेंज करने होंगे, यानी हमें +2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारे पास -6 आएगा। तो मैं यहाँ पे +2 लगा दूंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या पेयर बन गए, 2x-3 कॉमन यहाँ पे साइड में ले लेंगे, और यहाँ x+2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे दो दो रूट्स निकलेंगे। अब 2x-3 इज इक्वल टू 0, और x+2 इज इक्वल टू 0, 2x यहाँ रहेगा, प्लस -3 को वहाँ ले जाएंगे तो +3, यहाँ x+2 को इधर ले जाएंगे तो -2, तो ये तो यहीं ख़त्म, लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ x ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी दो रूट्स हमारे क्या आ गए, रूट्स हमारे आ गए 3/2 और -2, रूट्स आर 3/2 एंड -2। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज, अच्छा मैं ये जो सॉल्यूशन है इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि अगर नोट करने में या समझने में अपने आप कुछ दिक्कत हो तो फिर वो आप अपने आप देख के समझ सकते हैं, या फिर नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ थर्ड पार्ट
जो है इसमें ना रूट आके लोग घबरा जाते हैं कि अंडर रूट में है, अब क्या करें। तो कुछ नहीं है इसमें, अंडर रूट में है। एक्स स्क्वायर का आपको कोएफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, और इस क्वेश्चन में हमारा सी क्या है, वो है 5√2। तो 2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करना आता ही है, क्या होगा, रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हो जाता है। तो रूट टू को, या रूट कैंसिल हो जाते हैं ये भी कह सकते हैं। तो रूट टू को टू, रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बच गया 5। अब रूट कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है कि 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा, कैंसिल हो गया और वो 1 2 बन जाएगा, ठीक है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 10 आएगा। यहाँ एलसीएम लेने की क्या मुझे ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि 10 जो है वो 2 की टेबल में आता है या 5 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए, वो भी पॉजिटिव, और यहाँ पे हमें प्लस माइनस करने पे हमें 7 चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो अब हम क्या ऐसा करें कि पॉजिटिव 10 आ जाए? तो 5 2 10 और 5 प्लस 2 7, कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमारे पास ऑलरेडी हमारे पी और क्यू निकले हुए हैं। तो 2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2, क्लियर। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे हम पेयर कैसे बनाएं? हम यहाँ पे पेयर बनाने के लिए क्या क्या ले लेंगे, रूट इनको दोनों को ही कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे जरा इस वाले में हमने क्या करना है ना, वो जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, एक्स और एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स बाहर लिख लेंगे और एक्स अंदर आ जाएगा। एक्चुअली √2 पहले लिखते हैं और फिर एक्स लिखते हैं, फिर यहाँ 5, इधर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत यहाँ पे भी नहीं आएगी, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें दे रखा है 2x, और आपको ये पता होगा कि इधर वाला ब्रैकेट और इधर वाला ब्रैकेट कॉमन जो आप ले रहे हो, वो अगर आपका सही आ रहा है यानी कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, तो यहाँ 2x है। अब अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो हम यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, अगर आप √2 को कॉमन लेते हो और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 भी निकल आया, और अगर हम √2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5√2 का भी काम हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, √2 को ही कॉमन लेंगे, ठीक है। √2 बाहर कॉमन, √2 फिर अंदर आ जाएगा, क्योंकि √2 से √2 मल्टीप्लाई होके ही 2 बनेगा, √2x प्लस में 5। यहाँ पे देखा ना कि क्या ऐसा करेंगे, यहाँ पे ये तभी ये चीज़ पॉसिबल है मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे कॉमन निकल जाते हैं x प्लस √2 और √2x प्लस में 5 में ये। हाँ, अब हमें क्या करना है, 0 इसके इक्वल रखना है रूट्स निकालने के लिए। एक्स का प्लस √2 उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, -√2। इधर 2x² को एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 5 इधर आएगा, -5। अब यहाँ एक्स को यहीं छोड़ देंगे, √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के रूट्स क्या निकले, इस क्वेश्चन के दो रूट्स निकले हैं, एक तो -2 एंड एक -5/2। अब आ जाते हैं हम, दो पार्ट बचे हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी बहुत सिंपल है, इसमें आपको फ्रैक्शन में हमारा सी दे रखा है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको जरा तरीके से लिख लेते हैं, 2x² -x प्लस 1/8 = 0। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है आगे आप चल ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम लेने के लिए एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेकर 8 ही आएगा, तो यहाँ हम 8 लिख देते हैं। अब इस 1 से 8 कैंसिल, सॉरी
वन, यहाँ पे वन है और यहाँ पे एट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2x² को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ -x है और यहाँ पे वन है, तो आपको -x को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ 8 के डबल से 8 जाएगा तो वन आएगा, तो यहाँ आपको वन को वन से ही मल्टीप्लाई करना है। अब जीरो, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि वो वन है, तो यहाँ पे 2x² इंटू में 8 -x इंटू में 8 और ये वन, और उधर 8 जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, यानी कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तरीके से बन जाएगा। अब आप 8 को 16 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x² -8x +1 = 0। अब आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा पॉजिटिव, और हमें माइनस करने पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम जरा 16 का ना एलसीएम ले लेते हैं, 2 8 4 2, यानी कि क्या आया एलसीएम लेके, 2 to the 4, 2 to the 4, और अगर आप 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 16 आता है जो कि हमें चाहिए, और अगर आप 4 और 4 को प्लस करते हो, सॉरी 4 और 4 को प्लस, तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस सॉरी हाँ -8 चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम और क्या तरीका अपना सकते हैं, यहाँ पे देखो अब और पेयर्स हमें बना के देखने पड़ेंगे, जैसे कि 2 और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 to the, सॉरी कहाँ गया, हाँ 2 to the 4, 4 to the 8, 8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका पॉजिटिव 16 तो आता है, लेकिन लेकिन क्या नहीं आएगा, 8 को 2 में प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ पे ये नहीं, ये मतलब कि ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है, अगर आप -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आएगा, और -4 को -4 से प्लस करेंगे तो -8 आएगा, यानी कि हमारे पी और क्यू क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे हम करेंगे 16x² -4x -4x +1 = 0। दूसरे पेज पे आ जाते हैं, क्या था यहाँ पे, -16x, एक मिनट, ओके, तो यहाँ अगर हम दोबारा नोट कर लेते हैं, -16x² -4x -4x प्लस में 1, अब कॉमन ले, इसको कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ 16 4 के टेबल में आता है तो 4x यहाँ कॉमन आ जाएगा, 4x अंदर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा -1। ऐसे यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, -4x है, -4x है, तो मैं यहाँ पे माइनस ही कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे 4x आएगा। अब अगर आप -1 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ -1 चाहिए, ठीक है, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो प्लस आएगा ना, तो यहाँ पे आगे हमारे 2 कॉमन आ गए, माइनस सॉरी 4x -1 और 4x -1। अब हमारे रूट्स क्या निकलेंगे, 4x -1 = 0, और सेम यहाँ पे भी वही आएगा, लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर हाँ स्टेप हमें दिखाना ही है, 4x 1 यहाँ आ जाएगा 1/4, और ये भी 1/4 ही आएगा, सेम ही है ना, क्योंकि तो रूट्स क्या निकले हमारे इस क्वेश्चन के, 1/4 और 1/4, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है ये है, अब यहाँ पे देखो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100, और इसमें तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अब आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 100 आए वो भी पॉजिटिव, और माइनस करने पे -20 आए, तो अभी हमने लास्ट पार्ट भी ऐसे ही देखा है। अगर आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, अब -10 को -10 से मल्टीप्लाई करते हो बेसिकली, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 100,
और अगर आप -10 को -10 से प्लस करते हो तो यहाँ पे आता है -20। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा सॉल्यूशन, हम कर सकते हैं 100x² माइनस में -10x माइनस में -10x और प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन आ जाएगा 10, 10x 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 और 10x माइनस में 1, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे सेम उसी तरीके से, तो यहाँ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 10x को और माइनस 1 को कॉमन, और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और इस 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10x माइनस 1 को, माइनस 1 इधर गया, 10x माइनस 1 इधर गया, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/10, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1/10। तो रूट्स क्या आ गए, रूट्स आ गए 1/10, बड़ा ही कॉमा बन गया, एंड 1/10। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है क्योंकि इसके बाद डिलीटेड पोर्शन है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ विल मीट यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।